हाई गाइज, दिस इज मनीषा यादव फ्रॉम यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट। सो आज हम लोग फिर से आए हुए हैं आपके लिए एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। आज हम लोग इस सेशन में बनाना सीखने वाले हैं शरबत प्रीमिक्स, जिसमें हमने यहाँ पे इस सेशन में थ्री वे टू मेक शरबत प्रीमिक्स का प्रेजेंटेशन हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे ऑरेंज, एंड सेकेंड नींबू पानी, एंड थर्ड हमारा होगा कच्ची केरी। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें इसे बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट की क्या जरूरत है। ओके, चलिए हम लोग इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमारे शरबत प्रीमिक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं। सो यहाँ हम लोग आज प्रिपेयर करेंगे तीन तरीके के शरबत प्रीमिक्स बनाने वाले हैं। फर्स्ट फ्लेवर हमारा होगा ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज फ्लेवर में हमें चाहिए 1/4 कप शुगर, 1/4 कप ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर ये बेसिक फ्लेवर वाला लेना है, कोई भी अदर फ्लेवर का नहीं लीजिएगा, न्यूट्रल फ्लेवर लीजिएगा। एंड 1/4 TSP हमें चाहिए सिट्रिक एसिड। एंड सेकेंड फ्लेवर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लेमन फ्लेवर, नींबू पानी। नींबू पानी के लिए भी 1/4 sugar, 1/4 glucon-D एंड 1/4 TSP हमारा सिट्रिक एसिड होगा। एंड लास्ट फ्लेवर हमारा होगा कच्ची केरी। कच्ची केरी में हमें कच्ची केरी फ्लेवर चाहिए एंड थोड़ा सा लिक्विड ग्रीन कलर, एंड 1/4 cup आपको चाहिए शुगर, 1/4 cup ग्लूकोन-D एंड 1/4 TSP हमें सिट्रिक एसिड चाहिए। यहाँ पे हम लोग इमल्शन यूज़ करने वाले हैं। जैसे फॉर ऑरेंज फ्लेवर यहाँ मैंने ऑरेंज इमल्शन लिया हुआ है। इमल्शन का मतलब है ये आपके स्टफ को कलर प्लस फ्लेवर देगा, कलर भी देगा ऑरेंज एंड फ्लेवर ऑरेंज देगा। अगर आपके पास इमल्शन नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, एसेंस डाल सकते हैं जो फ्लेवर आपको बनाना है, एंड उसी के ही रिगार्डिंग आप कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ हमने लिया हुआ है इमल्शन। आप देखिएगा यहाँ मैंने फ्लेवर लिया है और ग्रीन कलर लिया हुआ है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट आपको चाहिए है जार, ठीक है, मिक्सिंग जार चाहिए। सो ऑरेंज बना रहे हैं, सो 1/4 cup हमें शुगर चाहिए। शुगर आप कैस्टर ले सकते हैं या फिर घर वाली शक्कर भी ले सकते हैं। 1/4 cup हमें चाहिए ग्लूकोन-D एंड 1/4 TSP सिट्रिक एसिड। ऑरेंज फ्लेवर बना रहे हैं तो 1/2 TSP ऑरेंज इमल्शन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमल्शन ऐड कर रहे हैं तो 1/2 TSP लीजिएगा, और अगर आप एसेंस और कलर ले रहे हैं 3 ड्रॉप्स आप ऐड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ ये ले लिया आपको। ओके, आपको मिक्सर में इसे ग्राइंड करना है। ओके, सी यहाँ हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो प्रीमिक्स हमारा रेडी है। सो हम लोग अभी तीनों प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, सो सेकेंड फ्लेवर हमें बनाना है लेमन, नींबू पानी फ्लेवर, ठीक है। अगेन आपको सेम 1/4 cup शुगर, 1/4 cup ग्लूकोन-D ग्लूकोज पाउडर, 1/4 TSP सिट्रिक एसिड, एंड यहाँ हम ले रहे हैं लेमन फ्लेवर। सो 1/2 TSP हमने यहाँ लेमन फ्लेवर ले लिया है, एंड नींबू का जनरली कलर येलो होता है तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप येलो फूड कलर ऐड कर रहे हैं। आपको इसे अगेन ग्राइंड करना है।
पानी फ्लेवर भी रेडी हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं, नेक्स्ट फ्लेवर प्रिपेयर करेंगे। ओके, लास्ट फ्लेवर है हमारा कच्ची केरी। सो अगेन सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, 1/4 कप शुगर, 1/4 कप ग्लूकोज पाउडर, 1/4 टीएसपी सिट्रिक एसिड, 3/4 ड्रॉप, यहाँ हम फ्लेवर ले रहे हैं कच्ची केरी का फ्लेवर, 3/4 ड्रॉप, एंड थोड़ा सा ग्रीन कलर, हियर आई एम यूजिंग 2-3 ड्रॉप्स। दैट्स इट, फिर से ग्राइंड करते हैं फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग। देन हमारा कच्ची कैरी भी प्रीमिक्स रेडी है। सो चलिए हम लोग फाइनल प्रेजेंटेशन की, कोई भी गेस्ट आता है कभी भी, आप अगर आपको शरबत लेने का मन हो रहा है तो आप इमीडिएटली इसको 1 मिनट में रेडी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा ये प्रीमिक्स बन के रेडी हो चुका है। फर्स्ट है हमारा कच्ची कैरी, सेकेंड है ऑरेंज फ्लेवर एंड नींबू पानी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हमें बनाना है। आप एक कोई सा भी ग्लास ले लीजिए जिसमें आपको आइस फिल करनी है। ओके, सो फिर हमें यहाँ लेना है डेढ़ चम्मच, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑरेंज प्रीमिक्स, क्योंकि हमारा ग्लास साइज़ थोड़ा छोटा है तो डेढ़ चम्मच ले रहे हैं। अगर आप लार्ज साइज़ का ग्लास ले रहे हैं तो आप 2 स्पून आप ले सकते हैं, 2 चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, ये शरबत की खासियत ये है कि आप अगर समर में लो फील कर रहे हैं तो आप इमीडिएट इसको ले लीजिए और एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ग्लूकोज पाउडर ऐड किया हुआ है जो एनर्जी देता है ना। आपको वाटर फिल करना है, ओके आपने ऐड किया, आपको सिर्फ एक नाइस स्टर देना है सो दैट कि जो हमारा पाउडर है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। ठीक है, तो हमारा शरबत रेडी है। तो चलिए हम लोग फाइनल डेकोरेशन करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मिनी अम्ब्रेलास हैं, तो इसे हमें सरके से टॉप कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ओके, सी हमारा शरबत प्रीमिक्स एंड शरबत रेडी है, ऑरेंज फ्लेवर, नींबू पानी एंड कच्ची केरी। दिस इज़ वेरी न्यू एंड वेरी क्विक रेसिपी फॉर द एनर्जी पर्पस। आप समर में इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक एनी सीजन देन मेक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक। ओके गाइस, सो आज के सेशन में हमने ये 3 टाइप ऑफ शरबत प्रीमिक्स रेडी किए हैं। इससे कैसे शरबत बनाया जाता है ये भी बताया गया हुआ है, और ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसे आप प्रिपेयर करके, स्टोर करके, आप इसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और कभी भी आप इस शरबत प्रीमिक्स की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आता है इमीडिएट, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ऑब्वियसली 1 मिनट में रेडी होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।